क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 पूर्णांक 4 बटा 9 घटाओ 1 पूर्णांक 2 बटा 3 गुना 2 पूर्णांक 3 बटा 9 जोड़ 4 बटा 5 भागा 2 बटा 15। तो देखिए पहले हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं इसका। तो 9 5 45 4 49, तो 49 बटा 9 हो जाएगा यहाँ पे, घटाओ 3 गुना 1 3 3 और 2 5, 5 बटा 3 गुना 9 दुनिया 18 18 3 21 बटा 9 जोड़ 4 बटा 5 भागा 2 बटा 15। फिर से देखिए, 9 5 45 4 49 बटा 9 घटाओ 3 गुना 1 3 3 और 2 5 बटा 3 गुना 9 दुनिया 18 3 21 बटा 9 जोड़ 4 बटा 5 भागा 2 बटा 15। तो देखिए पहले यहाँ पे भाग की क्रिया है, जोड़ की क्रिया है, गुना है, घटाव है। तो पहले भाग की क्रिया होगा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ और अंत में घटाओ। तो देखिए हम लिखेंगे 49 बटा 9 घटाओ 5 बटा 3, ये सब को हम उतार देंगे, 21 बटा 9 जोड़ 4 बटा 5। यहाँ पे देखिए भाग की क्रिया पहले होगा, तो हम इसको गुना करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 15 बटा 2, 2 बटा 15 को 15 बटा 2 लिख लेंगे, भागा को गुना में बदल कर। तो अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 5 से 15 कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 49 बटा 9 घटाओ 5 बटा 3 गुना 21 बटा 9 जोड़, देखिए क्या बचा यहाँ पे, 3 दूनी 6, बस अंश में है 3 दूनी 6, नीचे कुछ नहीं है हर में, तो बस 6 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 से 21 काट देंगे, अब गुना होगा, ठीक है, भाग की क्रिया हो चुका है, अब गुना होगा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। तो 3 7 21 कट जाएगा यहाँ पे, कितना बचा, तो 49 बटा 9 घटाओ 7 5 35, तो 35 बटा 9 जोड़ 6। अब देखिए 9 9 का लघुत्तम 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 49 लिखेंगे, यहाँ भी 9 है तो 35 लिख देंगे यहाँ पे जोड़। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 नंबर 9 9 6 9 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे इसको, तो 9 6 54, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 49 और 54 को जोड़ेंगे, जोड़ जोड़ वाला को जोड़ेंगे, तो 9 4 13, हाथ में रहा 1 5 4 9 1 10, यानी 103 घटाओ 35 बटा 3। तो देखिए इसका आंसर कितना होगा, तो 13 में से 5 गया 8, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 0, ठीक है, तो 68 बटा 3। अब देखिए 3 से 68 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बटा में 9 है, हम गलती से 3 लिख दिए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 103 माइनस 35, यानी 68 आ गया, 68 बटा 9। तो देखिए 68 बटा 9, यानी 9 से भाग देंगे तो 9 7 63, 7 बार में लगेगा, 68 में से 63 को घटाएंगे तो 5 आएगा शेष फल, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे जो भाजक है 9, यानी 7 पूर्णांक 5 बटा 9 इसका आंसर होगा। देखिए हम इस तरह से इसको क्वेश्चन नंबर 13 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1 भागा 3 बटा 7 घटाओ 1 बटा 4 का 2 पूर्णांक 2 बटा 3 जोड़ 1 बटा 2 भागा 3। तो इसको हम देखिए पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो 1 भागा 3 बटा 7 घटाओ 1 बटा 4 का 3 दूनी 6 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 बटा 3 जोड़ 1 बटा 2 भागा 3। तो देखिए यहाँ पे का है, भागा है और जोड़ घटाओ है, तो पहले का क्रिया होगा, उसके बाद भाग, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 भागा 3 बटा 7 घटाओ, अब देखिए का मतलब गुना होता है, तो 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे, 2 गुने 1 2 2 बटा 3 जोड़ 1 बटा 2, देखिए 2 है, 2 गुने 1 2 और 3 यहाँ पे है हर में, जोड़ 1 बटा 2 भागा 3। अब यहाँ पे का क्रिया हो चुका है, अब भाग की क्रिया करेंगे, तो देखिए 1 गुना
7/3 घटाओ 2/3 जोड़ 1/2। अब देखिए यहाँ भी भाग की क्रिया है तो इसको भी कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो 1/3 होगा। देखिए सिर्फ तीन है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो इसको 1/3 लिख देंगे। यहाँ भी 7/3 हो गया, तो अब देखिए 7 × 1 = 7, तो 7/3 घटाओ 2/3 जोड़। अब देखिए यहाँ पे 1 × 1 = 1, 2 × 3 = 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भाग की क्रिया दोनों को हम हल कर चुके हैं, बस यहाँ पे घटाओ और जोड़ बचा। तो अब सबका लघुत्तम ले लेते हैं, लेकिन पहले जोड़ेंगे उसके बाद ही घटाएंगे। तो देखिए 3 और 6 का लघुत्तम 6, 3 × 6 तो 7 × 14 घटाओ 3 × 6 तो 2 × 4 जोड़, 6 से 6 एक बार में, तो 1 × 1 = 1, कितना आ गया इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा देखिए 14 × 1 = 15। पहले जोड़ेंगे हम तो 14 × 1 = 15, उसके बाद हम 4 को घटाएंगे 6/5, तो 15 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा? बराबर 11/6, ठीक है। अब देखिए 11 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 11 को हम 6 से भाग देंगे तो एक बार में लगाएंगे तो देखिए बराबर, एक बार में लगाएंगे ठीक है, तो 1 पूर्णांक 5 बचेगा, क्योंकि 11 में 6 गया 5, तो यहाँ पे शेषफल लिखेंगे और यहाँ पे भाजक, तो 1 पूर्णांक 5/6 होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए 1 पूर्णांक 5/6 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 25 का 3/5 भागा 1 पूर्णांक 2/3 जोड़ 3 का 1/3 भागा 10। तो देखिए पहले हम का क्रिया कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम पहले देखिए पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो 25 का 3/5 भागा 3 × 1 = 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5/3 जोड़ 3 का 1/3 भागा 10, ठीक है। अब देखिए तो 25 का 3/5, पहले का क्रिया होगा उसके बाद भाग उसके बाद जोड़, तो का में देखिए गुना होता है, तो 5 × 5 = 25 कट गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए का में 3 का 1/3 यानी 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि गुना होता है काम का मतलब, तो कितना आ गया? देखिए 5 × 3 = 15, यहाँ पे आ गया 5 का 3 यानी 15, 5 × 3 = 15 भागा, अब सबको उतार लेंगे, 5/3 जोड़, देखिए जोड़ यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 भागा 10। तो आप देखिए भाग की क्रिया करेंगे हम, तो अब भाग की क्रिया करेंगे तो लिखेंगे हम 15 × 3/5 जोड़ 1 × 1/10। देखिए दोनों जगह भागा है तो दोनों को एक बार में हल कर लेंगे, गुना कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा 1/10, यहाँ पे 5/3 हो जाएगा 3/5, भागा को गुना में बदलने पे। अब देखिए 5 × 15 तीन बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 3 × 9 तो 9 जोड़ 1 तो 1 × 1 = 1, तो 1/10 हो जाएगा, देखिए गुना है तो 1 × 1 = 1, 1/10, तो 9 जोड़ 1/10 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए। तो हम यहाँ पे 10 लघुत्तम लेंगे, तो 10 × 9 = 90 जोड़ 1 तो कितना हो जाएगा? देखिए 91/10, तो 10 से 91 को भाग देंगे तो 10 × 90, 91 से 90 गया तो 1, 9 पूर्णांक 1/10 होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम इस तरह से हल कर लेंगे।